नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। शाम के 7 बज रहे हैं, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। जिस बात का डर था वही हुआ। भारत में ISIS आतंकियों के जो तार अब तक ऑनलाइन मिलते थे वो अब रेल की पटरियों पर ब्लास्ट के रूप में सामने आए। हिंदुस्तान में पहली बार ISIS के किसी आतंकी को भारी मात्रा में हथियारों के साथ एनकाउंटर में मार गिराया गया। मगर खतरा यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि इसे ISIS आतंकियों की बड़ी साजिश का नमूना माना जा रहा है। पूरा देश हाई अलर्ट पर है, क्योंकि लखनऊ में 12 घंटे तक चले इस एनकाउंटर के बाद आतंकियों का जो सच सामने आया है वो पूरे देश को अलर्ट करने वाला है। भारत में ISIS आतंकियों का पहला हमला। बगदादी के इशारे पर भारत में तबाही का प्लान। ISIS के टेरर प्लान को UP ATS ने किया फेल। बारह घंटे तक देश की धड़कनें बढ़ाने वाला एनकाउंटर। ISIS के भारतीय आतंकियों की डेंजर डायरी के राज। पहली बार हिंदुस्तान में ISIS के आतंकियों का हमला हुआ है, और पहली बार में भारत में बगदादी का एक बड़ा आतंकी एनकाउंटर में मारा गया। बगदादी के आतंकी को UP ATS ने करीब 12 घंटे तक एनकाउंटर के बाद मार गिराया, और उसके पास से जो कुछ भी मिला है उसे देखकर यही लगता है कि भारत में ISIS ने बड़ी तबाही का प्लान बनाया था। ये मारे गए ISIS के आतंकी सैफुल्लाह की तस्वीर है। आतंकियों का टाइम टेबल: 8 पिस्टल, 4 चाकू, 630 जिंदा कारतूस, पासपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक तार, वॉकी टॉकी, बम बनाने का सामान, 8 मोबाइल फोन, लोहे के पाइप, छर्रे, भारतीय करेंसी, ISIS का झंडा और भारत का नक्शा। सिर्फ एक आतंकी के पास से ये तबाही का इतना सामान मिला है। सेल्फ रेडिकलाइज्ड थे, कहीं से इनको बाहर से एड नहीं आई थी, कोई ऐसा फाइनेंस इनके पास नहीं था। जैसा कि उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद ही फाइनेंस, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज के माध्यम से उसको जनरेट किया था और इसी का इस्तेमाल कर रहे थे, खुद अपनी पहचान बनाना चाह रहे थे। मैंने शुरू में जो शब्द कहा कि वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड, ये एक मॉड्यूल है। अब आपको बताते हैं भारत में ISIS के इस बड़े आतंकी के एनकाउंटर की पूरी कहानी। ISIS के भारतीय मॉड्यूल ने आतंकी हमले की शुरुआत MP के शाजापुर से की। शाजापुर में ब्लास्ट के तार सीधे लखनऊ से जुड़ते नजर आए। MP पुलिस और वहां की खुफिया एजेंसियों ने फौरन UP पुलिस को अलर्ट किया। ATS और SCF की जांच में ISIS के एक आतंकी की लोकेशन लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में बनी हाजी कॉलोनी में मिली, और यहां 12 घंटे तक ISIS के आतंकी सैफुल्लाह के साथ एनकाउंटर चला। 7 मार्च को दोपहर करीब 3:15 पर लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में हाजी कॉलोनी के एक घर को 20 स्पेशल कमांडोज ने घेर लिया। ATS, STF और पुलिस के स्पेशल जवानों ने घर को चारों तरफ से घेर लिया। अंदर से आतंकी फायरिंग करता रहा। शाम 4:55 पर पुलिस ने आतंकी वाले घर में आंसू गैस छोड़ी। आंसू गैस छोड़ने के बावजूद आतंकी सरेंडर के लिए राजी नहीं हुआ। शाम 5:10 पर पुलिस को मालूम हुआ कि आतंकी का नाम सैफुल्लाह है। पुलिस ने सैफुल्लाह से कहा कि वो सरेंडर कर दे, लेकिन वो राजी नहीं हुआ। शाम 5:30 पर आतंकी ने ATS के कमांडो से कहा कि वो जान दे देगा लेकिन सरेंडर नहीं करेगा। शाम 6:15 पर आतंकी के कमरे में मिर्ची बम फेंका गया। मिर्ची बम फेंकने के बाद पुलिस को इस बात के सुराग मिलने लगे कि आतंकी शायद बेहाल हो गया है। शाम 6:45 पर आतंकी ने फायरिंग की। ATS कमांडोज ने आतंकी की फायरिंग का जवाब दिया, जिसमें उसके घायल होने का अंदेशा हुआ। शाम 7:35 पर
पुलिस ने लाइट कम होने के कारण जनरेटर मंगवाया। एटीएस को शक था कि आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग सकता है, इसलिए जनरेटर मंगाकर मकान के चारों तरफ दूर तक फोर्स की तैनाती कर दी। रात 8:20 पर गैस कटर मंगवाया। आईएसआईएस आतंकी सैफुल्ला तक पहुंचने के लिए गैस कटर मंगवाकर मकान की छत और दीवारों को काटने का काम शुरू किया गया। रात 8:55 तक आतंकी को जिंदा पकड़ने की कोशिशें हुई। पुलिस के मुताबिक उसने करीब रात 9 तक आतंकी सैफुल्लाह को जिंदा पकड़ने की कोशिशें जारी रखी। वो किसी भी तरह आतंकी तक पहुंचने की कोशिश करती रही। रात 9:40 पर देश में हाई अलर्ट। रात 10:15 पर फायरिंग जारी। रात 11:20 तक आतंकी को जिंदा पकड़ने की कोशिश। यूपी पुलिस, एटीएस और एसटीएफ पूरी रात आतंकी को सरेंडर करवाने के लिए तमाम कोशिशें करते रहे, मगर वो बाहर नहीं निकला। 8 मार्च को तड़के करीब 3 आतंकी सैफुल्लाह का एनकाउंटर। तड़के करीब 3 खबर मिली कि आईएसआईएस के आतंकी सैफुल्लाह की मुठभेड़ में मौत हो गई है। बात निकल करके आ रही है कि भोपाल में कल सुबह एक भोपाल के पास एक ट्रेन में कल सुबह ब्लास्ट हुआ था। उस ब्लास्ट में यहाँ इस मकान में रहने वाले 3 डायरेक्टली इन्वॉल्व थे और सैफुल्लाह जो कि मुठभेड़ में रात को मारा गया, इस ग्रुप का एक सक्रिय मेंबर है। बॉम्ब्स यहीं पे तैयार किए गए थे और यहाँ से ले जा करके भोपाल के पास ट्रेन में डाल दिए गए थे। सैफुल्लाह के मारे जाने के बाद देश भर में कई शहरों से आईएसआईएस के संदिग्धों को जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार किया या पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। सैफुल्लाह की मौत के बाद सुरक्षा एजेंसियों के लिए आईएसआईएस का भारतीय मॉड्यूल सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने आया है। कानपुर से मोहम्मद उजैर और अमिता पारुल के साथ विवेक तिवारी, जी मीडिया, लखनऊ। तो इस ऑपरेशन को किस तरह से अंजाम तक पहुंचाया गया ये आपने देखा इस रिपोर्ट में। और वैसे इराक और सीरिया में आखिरी सांसें गिन रहे आईएसआईएस के सरगना बगदादी की जो नजर है दरअसल वो कई साल से भारत पर टिकी हुई है, इसलिए उसने एशिया में खुरासान मॉड्यूल तैयार किया है। ये एशियाई युवकों का वो मॉड्यूल है जो भारत में रहकर सीरिया जैसे हमले की ट्रेनिंग करता है। लखनऊ एनकाउंटर में मारे गए कानपुर के आईएसआईएस आतंकी सैफुल्लाह और उसके आतंकी साथियों का पूरा मॉड्यूल अब सामने आ गया। भारत में आईएसआईएस के आतंकियों के इस पहले हमले ने सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट कर दिया है। खुफिया एजेंसियों ने अब तक की पड़ताल में आईएसआईएस के भारत में टेरर कनेक्शन को लेकर एक लिंक तैयार किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत में आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल ने भोपाल में हमला किया था और देश के बाकी शहरों में भी बड़े आतंकी हमले का प्लान बनाया था। आईएसआईएस का खुरासान मॉड्यूल, अतीक मुजफ्फर कानपुर, जीएम खान कानपुर, अजहर खलीफा कानपुर, फैजल खान कानपुर, इमरान सैफुल्ला का भाई, दानिश अख्तर अलीगढ़, सैफुल्ला कानपुर, हुसैन कानपुर यूपी। यूपी पुलिस के मुताबिक खुरासान मॉड्यूल को पहले ही हमले के बाद नाकाम कर दिया गया है। जो सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ और जो मुलजिम गिरफ्तार हुए उसमें 3 जो यहाँ रहते थे इनके साथ में वो वहां पर गिरफ्तार हुए। इन्हीं की पूछताछ में और जो अन्य सूचनाएं हमें प्राप्त हुई उसके आधार पर कई जगहों पर दबिश दी गई। सभी जगह हमें सफलताएं प्राप्त हुई, परंतु इस वाली घटना पर काफी देर मुशक्कत के बाद पुलिस लेट रात्रि जो है इसको फ्लश आउट करने में सफल हुई। खुफिया एजेंसियों ने आईएसआईएस आतंकियों को हथियारों के सप्लाई का लिंक भी पता किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि फकरे आलम और रॉकी ने अतीफ को अजहर के जरिए हथियार पहुंचाए थे। फकरे आलम और रॉकी ने अतीफ को 2 दिए थे, 3 की सप्लाई होनी बाकी थी। लगातार इन लोगों ने छोटी छोटी घटनाओं करने का प्रयास किया, लो इंटेंसिटी बॉम्ब्स लगाने का भी प्रयास किया, लेकिन किसी में ये सफल नहीं हो पाए। अंतोगत्वा जो मध्य प्रदेश में जो घटना हुई है उस घटना के बाद से इनकी असली गतिविधियों के बारे में जानकारी हुई
और उसके बाद से पुलिस एक्टिवेट हुई और उसके बाद ये ऑपरेशन हुआ। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे भोपाल से लेकर लखनऊ तक ISIS के आतंकी कनेक्शन का लिंक मिला। 7 मार्च को भोपाल के पास ट्रेन ब्लास्ट में MP पुलिस ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आतंकियों में अलीगढ़ का सैयद मीर हुसैन और कानपुर का दानिश अख्तर और आतिफ मुजफ्फर हैं। पूछताछ में इनके एक साथी की कानपुर में मौजूदगी की बात सामने आई। MP पुलिस ने UPATS को जानकारी दी। UPATS ने कानपुर, लखनऊ और इटावा में एक साथ छापेमारी की। कानपुर के सैफुला की लोकेशन लखनऊ के ठाकुरगंज में मिली। ATS की टीम ने कानपुर के जाजमाऊ से फैजल खान को गिरफ्तार किया। फैजल के पास से लैपटॉप बरामद हुआ। फैजल के लैपटॉप में ISIS का बड़ा आतंकी साहित्य मिला। पुलिस ने फैजल की निशानदेही पर उसके भाई इमरान को उन्नाव की एक फैक्ट्री से गिरफ्तार किया। इमरान के पास से मिले मोबाइल में कई नंबर ISIS से जुड़े लोगों के बताए गए हैं। इसके अलावा पुलिस ने इटावा से फकरे आलम को भी गिरफ्तार किया है। कानपुर की रहमानी मार्केट से ATS की टीम ने अजहर को भी गिरफ्तार किया था, मगर स्थानीय लोगों ने हंगामा करके अजहर को छुड़ा लिया। अजहर और ISIS से जुड़े कई लोगों की तलाश जारी है। कानपुर से मोहम्मद उजैर और अमिता पारुल के साथ विवेक तिवारी, जी मीडिया, लखनऊ। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक फैले हुए हैं ISIS के तार, और कोशिश ISIS की यही है कि देश के अलग अलग हिस्सों में वो अपनी पकड़ को मजबूत बनाए। लखनऊ में मारे गए कानपुर के ISIS आतंकी सैफुल्ला के कमरे से ATS को एक डायरी के कुछ पन्ने मिले हैं। इनमें आतंकियों के सुबह 4 बजे उठने से लेकर रात तक का पूरा आतंकी प्लान लिखा था। लखनऊ में मारे गए आतंकी सैफुल्ला और उसके गिरफ्तार साथियों ने बकायदा टाइम टेबल बना रखा था। आतंकियों की डायरी में लिखे टाइम टेबल को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। सुबह 4 बजे उठना, तहज्जुद यानी साथ बैठकर चर्चा, फज्र की नमाज मॉर्निंग वॉक, सुबह 7:45 बजे एक्सरसाइज, सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट, लेक्चर, दोपहर 12:30 बजे जोहर की नमाज, दोपहर का खाना, शाम 6 बजे मगरिब की नमाज, हदीसा पढ़ना, 8 बजे इशा की नमाज, रात 8:30 बजे स्पीच। UPATS के मुताबिक सैफुल्ला को जिंदा पकड़ने के कई मौके दिए गए, लेकिन चारों तरफ से घिर जाने के बाद उसने जान देने का फैसला कर लिया था। यूपी पुलिस के मुताबिक लखनऊ के हाजी कॉलोनी में 4 युवक रहते थे। इनमें आतंकी सैफुल्ला और उसके 3 साथी रहते थे। ATS ने सैफुल्ला को घेर कर सरेंडर करने के लिए कहा, मगर उसने शहादत की बात की और बाहर नहीं निकला। पुलिस ने स्थानीय मौलाना से भी आतंकी सैफुल्ला की बात करवाई, फिर भी वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं हुआ। पुलिस ने सैफुल्ला के परिवार से भी उसकी बात करवाई, मगर सैफुल्ला ने परिवार वालों की बात भी नहीं मानी। आखिरकार सैफुल्ला पुलिस की जवाबी फायरिंग में मारा गया।